जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में, हम लोग आपके साथ बीजी के अंदर अपना ईमेल कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। आज हम बताएंगे कि आप बीजी में किस तरीके से ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और अपने काम को सेव कर सकते हैं। साथ साथ ईमेल के वे बताएंगे कि ईमेल में आप कितने तरीके से ईमेल कर सकते हो, ईमेल जब आप करोगे तो आपको कौन सा फॉर्मेट उसके साथ टैग करना है, आप सीसी कब रखोगे। अब सारी बातें आज आप इस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जब आप लोग ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या गलती होती है जिससे आपकी ईमेल कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं हो पाती, आज ये सभी बातें हम इस सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक कंपनी ओपन करनी है जिसका नाम है बिजी। मैं हमने कंपनी बनाई जिसका नाम था एसएल सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। ये हो जाने के बाद सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और यहाँ से ईमेल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का क्या नीड पड़ती है। देखिए, कई बार हम लोग जब बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो वो अपने बिल्कुल पार्टियों को मेल करते हैं, ना कि वो व्हाट्सअप करती, कॉलर करती, वो लोग मेल करने का काम करते हैं। तो अगर आपकी कंपनी भी किसी को उसका लेजर सेल का बिल मेल करना चाहती है तो उस जगह इस टॉपिक की बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है। तो इसलिए आपको ईमेल कॉन्फ़िगरेशन पे आना है। जैसे आप ईमेल कॉन्फ़िगर पे आओगे तो यहाँ पर आपको तीन वे मिलेंगे। सबसे पहला होता है सेंड डायरेक्टली, कि आप ईमेल डायरेक्टली सेंड कर दो। दूसरा होता है सेंड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। आपको पता है जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो फॉरेन कंपनियां होती हैं, वो सभी आउटलुक सॉफ्टवेयर को पसंद करती है मेलिंग के अंदर, क्योंकि आप उसके अंदर मेल को अच्छी तरीके से रिटर्न डाउन कर सकते हो, उसमें कलर कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो, थोड़ी स्टाइलिश बना सकते हो। तो अगर आप आउटलुक को पसंद करते हैं तो आपको आउटलुक पर क्लिक करना है। और अगर तुम किसी और थ्रू भेजना चाहते हो, सेंड थ्रू आउटलुक एक्सप्रेस, और अगर आप किसी आउटलुक एक्सप्रेस के थ्रू भेजना चाहते हो तो आपको उनमें से किसी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। लेकिन हमारे पास सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है सेंड डायरेक्टली। हम इस टॉपिक को यूज करते हैं। कौन से टॉपिक को? सेंड डायरेक्टली ऑप्शन को ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंड रिपोर्ट एज। आप जो रिपोर्ट को सेंड करना चाहते हो वो किस बिहाफ से करना चाहते हो, पीडीएफ बना के करना चाहते हो, ईमेल बॉडी करना चाहते हो, या एक्सएमएल अटैचमेंट ओनली फॉर इनवॉइस, या फिर पीडीएफ प्लस एक्सएमएल अटैचमेंट ओनली फॉर इनवॉइस। आपको पता है ना एक्सएमएल इनवॉइस क्या होती है? ये इनवॉइस का मतलब ये होता है कि जब तुम उस पार्टी को मेल करोगे, पीडीएफ तो बन के जाएगी जाएगी, साथ साथ अगर तुम कोई सेल का बिल भेजोगे तो जो उसकी एक्सएमएल फाइल होती है वो भी उसके पास चली जाएगी, ताकि वो बिल को एंट्री ना करे, उस एक्सएमएल फाइल को बिजी में इंपोर्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिक परचेज चढ़ जाएगी। जैसे सपोज करो मैं आपको सेल करता हूँ और साथ साथ सेल करते मैं आपको मेल भी कर देता हूँ, आपको आपकी इनवॉइस मेल भी हो जाती है, और साथ साथ आपकी जो इनवॉइस है, जो आपकी इनवॉइस है, मैं तो आपके साथ साथ मेल करता ही करता हूँ इनवॉइस, और साथ साथ मैं आपको बीजी के अंदर वो जो मैंने बिल सेव करा है उसकी एक एक्सएमएल फाइल बनाकर भी दे देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं? एक एक्सएमएल फाइल बनाकर भी दे देता हूँ। तो उस जगह इस टॉपिक की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है, क्लियर है? ताकि आप उसकी एंट्री को मैनुअली तरीके से ना करो, क्लियर? तो वो भी दिखाऊंगा। अब हम लेते हैं पीडीएफ प्लस एक्सएमएल अटैचमेंट ओनली फॉर इनवॉइस। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि जो हम मेल लेंगे, चाहे वो जीमेल की है, वो याहू की हो, या वो किसी और ईमेल हो, तो उस केस में क्या करना है। देखिए, सभी का एक एसएमटीपी होता है। एसएमटी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे अगर मैं आपको कोई मेल करता हूं तो बीच में एक मीडिएटर होता है जो एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, उसे कहते हैं एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप किसी के थ्रू भेज रहे हैं जीमेल के, तो यहाँ पर आपको जीमेल का एसएमटीपी डालना है। अगर आप याहू के थ्रू भेज रहे हो तो आपको याहू का एसएमटीपी डालना है, और अगर आप किसी और के थ्रू भेज रहे हो तो आपको उसका क्या करना है, एसएमटीपी डालना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा smtp.gmail.com, तो आपको इस तरीके से लिख देना, ठीक है? smtp.gmail.com इस तरीके से लिखना है, ठीक है? इसके बाद आपका यूजर नेम क्या है कि आप जिससे मेल करना चाहते हो। मैंने कहा बीजी shahrukh15jain@gmail.com। इसके बाद उसका पासवर्ड क्या है, तो जो भी मेरा पासवर्ड था मैंने वो टाइप करा। और साथ साथ अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका पोर्ट कोड क्या है। मैं बता दूं, पोर्ट कोड जीमेल का 465 होता है, अगर याहू का आप बात करो तो 587 होता है, और अगर आप रेडिट या किसी और मेल की बात करो तो उसका पोर्ट कोड 80 होता है। अगर आप देखना चाहो तो गूगल में मैंने जीमेल का पोर्ट निकाला, और इसका जीमेल का पोर्ट कितना होता है, 465 होता है। याहू का अगर आप देखोगे तो 587 होता है, और रेडिट मेल पे जाओगे तो उसका जो पोर्ट कोड होता है वो 25 होता है। तो आप इस तरीके से जो भी पोर्ट कोड हो आपको वो टाइप कर देना यहाँ पर smtp.gmail.com। उसके बाद ये हो जाने के बाद आप सेट डिफॉल्ट भी कर सकते हो। ये हो गया। साथ साथ फ्रॉम, ये मेल जाएगी तो किससे जाएगी, मैंने कहा इससे जाएगी, तो मैं इस मेल को दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अगर कोई रिप्लाई करेगा तो किस मेल पे आएगी, मैंने कहा इस पे आएगी। और हेडर क्या रखोगे, तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ हेडर में डियर सर स्लैश मैडम, ठीक है, प्लीज फाइंड अटैचमेंट, या फिर फाउंड अटैचमेंट बिलो, ठीक है।
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ठीक है, नाम डालता हूँ एसएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है, अपना फोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, और अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ। ये टाइप कर दी, इस तरीके से मैंने सब टाइप करके रख दिया। साथ साथ जब ये सारा काम हो जाए ना, तो आप एक बार यहीं से मेल को चेक कर लेना कि आपकी जो मेल जाएगी वो सही है या नहीं। तो यहाँ होता है टेस्ट अकाउंट सेटिंग, जैसे ही आप टेस्ट अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करेंगे, अगर आपकी सेटिंग सही होगी तो यहाँ मैसेज आ जाएगा, और अगर आपकी सेटिंग गलत होगी तो इस तरीके का मैसेज आगे लिखा है, कुड नॉट कनेक्ट, एरर ऑक्यूपाइड वाइल अटेम्प्टिंग टू कनेक्ट टू योर एसएमटीपी, कह रहा है कि ये अलाउ नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, तो ये हमेशा आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको अपनी जीमेल पर जाना है, जीमेल पर जाने के बाद आपको गूगल पर आना है, गूगल पे जाने के बाद अपने अकाउंट्स पे आना है। जैसे आप अपने अकाउंट्स पे आएंगे, इसकी आपको सेटिंग पर जाना है, कौन सी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर एक आपको टॉपिक मिलेगा सिक्योरिटी को लेकर, नीचे होगा यहाँ पर, ये यह होगा आपका अकाउंट, ऐसे ही करके होगा एक टॉपिक, ठीक है, उसमें आपको बस यस करना है। जैसे आप यस करोगे आपकी मेल चली जाएगी। मैं सिक्योरिटी पर जाता हूँ, शायद सिक्योरिटी पर होगा, वो होगा हमारा, ठीक है, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, ये अभी नो है, आप इस पे क्लिक करें, ठीक है, इसे आप एक बार ऑफ करें, और ये आप ऑन हो गया, इसको बैक कर दें, ये ऑन कर दिया, ठीक है, और इसको बस आप सेव करें। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, उसके बाद आप दोबारा टेस्टिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। बहुत से लोग सेटिंग तो कर लेते हैं लेकिन उस टॉपिक को एक्सेस नहीं करते, जिसके कारण उनको ये दिक्कत रहती है। मैंने इस टॉपिक को यस कर दिया और सेव कर दिया, मेरी टेस्टिंग सक्सेसफुली हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ पार्टियां बना लेता हूँ, जैसे मेरे पास ऑलरेडी पार्टी बनी हुई है, a.j.s.fashion, मैं इस पर गया, इस पर जाने के बाद मैंने इसकी यहाँ से ईमेल आई डाल दी, advxl01@gmail.com, ये डाल दी, और साथ साथ मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इनको सेल करूँ ना, तो बीजी उस समय मुझसे पूछे कि आप इसे ईमेल सेंड करना चाहते हो। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको वाउचर सीरीज पर जाना है, सेल पर जाना है, यहाँ पर जिस भी से आप इसका बिल बनाते हैं, और बस एक टॉपिक को आपको यस कर देना है, उस टॉपिक का नाम है क्या, ईमेल आफ्टर सेविंग। बस जैसे ही आप इस टॉपिक को सेव करोगे, उसके बाद नंबर ऑफ फॉर्मेट, मैंने कहा फॉर्मेट नंबर 1 रहेगा। अच्छा, कौन सा फॉर्मेट आप स्टैंडर्ड भेजना चाहते हैं, A5 का भेजना चाहते हैं, या आपने कोई डिजाइन करा है वो भेजना चाहते हैं, ठीक है। साथ साथ क्या ये आपसे ऑप्शन आए कि आपसे पूछे या फिर डायरेक्ट कर दे, मैंने कहा मुझसे पूछे। अच्छा, आप कोई बीसीसी बनाना चाहते, मतलब बिहाइंड कार्डन कॉपी बनाना चाहते, मैंने कहा नहीं, और मैंने इस तरीके से सेव किया। जैसे ही मैंने इस बिल को सेव करा, सेव करने के बाद मैं सेल पर जाऊंगा, सेल पर जाने के बाद मैं यहाँ से पार्टी का नाम एंटर मारूंगा, एंटर मारने के बाद मैं वो आइटम लूंगा, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, सेव करते ही बीजी मुझसे डायरेक्ट पूछेगा सेंड ईमेल, मैंने कहा यस सेंड करनी है, और जैसे ही मैं सेंड पर क्लिक करूंगा, तो आप देखना यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने पीडीएफ प्लस एक्सएमएल अटैचमेंट उठा ली, यहाँ पर टू में उस पार्टी का नाम मेल डाल दी, यहाँ पर सब्जेक्ट में ये लिख दिया, अटैचमेंट फाइल में ये लिख दिया, अगर कोई एक्सटर्नल अटैचमेंट चाहिए आप वो भेज सकते हो, यहाँ से डियर आ गया, यहाँ से सर आ गया, और इसके बाद आप जैसे ही सेंड पर क्लिक करोगे, देखिएगा ये मेल सेंड हो जाएगी, और सेंड हो जाने के बाद यहाँ पर मुझे सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। मैं क्या करूंगा, ठीक है, हो जाने के बाद अगर मैं अपनी जीमेल पे आऊँ, सेटिंग पर आऊँ, सेंड पर आऊँ, और जैसे ही मैं सेंड पर करूंगा, तो आप देखना यहाँ पर सेंड होते हुए सबसे पहले डियर सर मैडम आया, प्लीज फाउंड अटैचमेंट बिलो, थैंक्स एंड रिगार्ड एसएस सॉफ्टवेयर, मेरी ईमेल आईडी, और देखिए यहाँ तो पहली अटैचमेंट आ गई, मेरी कंपनी का जो भी बिल था वो आ गया, साथ साथ यहाँ पर एक एक्सएमएल बन गई। इसका फायदा ये कि अगर मैं इसे डाउनलोड कर लूँ, डाउनलोड करने के बाद अगर मैं इसका लिंक ओपन करूँ, ठीक है, इसे ओपन करूँ, ये पता करूँ कहाँ सेव हुई, मैंने इसे राइट क्लिक करा, इसकी प्रॉपर्टीज में गया, और मैंने सिक्योरिटी फाइल में जाकर इसकी लोकेशन को कॉपी कर लिया। कॉपी करने से ये फायदा हो गया कि अब जैसे ही मुझे इसकी परचेज करनी होगी ना, तो जिसका ये बिल था उसको बस क्या करना है, पेज पर जाना है, एक्सएमएल पर क्लिक करना है, ठीक है, क्या करना है, पेज पर जाना है, एक्सएमएल पर क्लिक करना है, प्लीज एंटर ऑल हेडर डिटेल बिफोर ट्राइंग टू इम्पोर्ट। तो एक बार बैक करता हूँ, एंटर मारता हूँ, यहाँ से मैं एंटर एल आइटम वाइज लेता हूँ, एंटर इम्पोर्ट पे जाता हूँ, एक्सएमएल पे आता हूँ, प्लीज एंटर ऑल हेडर डिटेल बिफोर ट्राइंग टू इम्पोर्ट। अच्छा, यहाँ से पार्टी का नाम डाल देता हूँ, एंटर, और इस तरीके से अब आता हूँ इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सएमएल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से उस फाइल की लोकेशन डालता हूँ, और जैसे ही इंटर मारूंगा, देखिए बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक उठ के आ जाएंगी। तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है बीजी के। साथ साथ अगर आप किसी को लेजर भेजना चाहते हैं, तो आप ऑल्ट एल करें, पार्टी का नाम टाइप करें, मैंने यहाँ से पार्टी का नाम टाइप करा, मैं इसका लेजर भेजना चाहता हूँ, मैंने ऑल्ट पी करा, फ्रॉम बीजी पर गया, यहाँ से मैंने एक्सएमएल पर क्लिक करा, ईमेल पर क्लिक करा, और इसको सेंड पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए इसका लेजर ऑटोमेटिक चला जाएगा, ये चला गया। अगर मैं इसको ओके पर,
ठीक है। अब मैं इसकी अपनी मेल चेक करूं, मैं मेल पर आया, अपनी सेंड पर गया और देखिए एक और आ गई और यहाँ पर आप लेजर लिख के आ गया। आप इंटर मारोगे तो इसका जो भी लेजर होगा वो आ जाएगा। साथ साथ अगर आप इसकी आउटस्टैंडिंग भेजना चाहते हैं तो आप इसकी आउटस्टैंडिंग भेज सकते हैं। आपको प्रिंट ईमेल एसएमएस पे आना है, आउटस्टैंडिंग एनालाइज पर जाना है। यहाँ से आप स्टेटमेंट पर क्लिक करें, स्टैंडर्ड मारें, वन अकाउंट क्लिक करें, यस पर क्लिक करें और जैसे ही आप उस पार्टी का नाम डालें और डायरेक्ट आप इसे ईमेल कर दें, तो जैसे ही आप ईमेल करेंगे तो उसकी जो भी आउटस्टैंडिंग होगी वो भी चली जाएगी। साथ साथ आप चाहते हो अगर इस पर इंटर मारो, अगर आप इसकी कंफर्मेशन भेजना चाहो तो आपसे कंफर्मेशन भेज सकते हैं। तो आप इस पर बस पार्टी का नाम इंटर मारो, इंटर क्लिक करो, एसएमएस पर मारो और ओके कर दो। लेकिन जब भी आप इसका लेजर भेजेंगे तो एक्सएमएल फाइल नहीं जाएगी, ओनली इनवॉइस पर जाती है। इस पर इंटर मारो, साथ साथ आप पेमेंट रिमाइंडर पे जा सकते हैं, बैलेंस ओनली पार्टी का नाम टाइप करो, इंटर मारो और यहाँ से मेल पर। इसकी शॉर्टकट ऑल्ट एम होती है, ऑल्ट एम दबाओ, इंटर मारो और इसे इस तरीके से सेव कर दो। तो आप जैसे ही इसको सेव करेंगे देखिए आपकी मेल सक्सेसफुली हो जाएगी। आप इसके बाद अपनी मेल पर आ जाएं, मेल पर आने के बाद सेंड पर जाएं और देखिए यहाँ पर आपको सारी मेल दिख गई जिसमें आपका रिमाइंडर से लेकर सब कुछ था। बस यहाँ क्लिक करें तो आपको इस तरीके से आप पार्टी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। साथ साथ अगर आपकी कंपनी में कोई बिल डिजाइन हो रखा है और अच्छा तरह का वो बिल डिजाइन है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो लेजर, चाहे बिल का फॉर्मेट है, तो प्लीज यहाँ से उसे टैग कर देना जिस भी सीरीज से आप उसे कर दो और यहाँ से टैग कर देना। दूसरा यहाँ पर बस टैग कर देना उसको, तो जब भी आप उसे मेल करोगे तो जो फॉर्मेट आपने बनाया होगा वही वो पिक करेगा और कोई नहीं पिक करेगा। दूसरा आप चाहते हो कि बीजिंग उसे पूछे नहीं, डायरेक्ट मेल कर दे, तो आप शो ईमेल ऑप्शन को हाइड कर देना, सेंड टू पार्टी को यस रखना, ठीक है, सेंड परमोट उसे पूछे ना डायरेक्ट कर देना। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप कोई भी बिल बनाओगे बीजी अपने आप मेल कर देगा, आपसे कभी परमिशन के लिए पूछेगा नहीं। जैसे आपको ये बिल मेल करना है, ठीक है, तो बस आप बिल को सेव करो, सेव करोगे ये ऑटोमेटिक उसको मेल कर देगा। देखो मेल भी चली गई, आपसे उसने कुछ पूछा ही नहीं। तो आप इस तरीके से बिजी के अंदर डायरेक्ट मेल कर सकते हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। बस देखिए जैसे मैंने इस पर एंटर मारा, एंटर मारने के बाद ही ऑटोमेटिक मेल पर चला गया और मेल हो जाने के बाद हमें आप सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा। जब सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको यूटिलिटी पे आना है, यहाँ से सेंड ईमेल पे आना है, तो आपने जिसको ईमेल करी होगी वो आपको आ जाएगी। दूसरा आप बीजी के थ्रू एक बार में किसी ग्रुप ऑफ पार्टी को भेज सकते हैं। जैसे आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है, जैसे अभी ईद आने वाली, ईद के फेस्टिवल पर हम लोग सभी को मेल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लेंगे, हम कहेंगे जो पार्टी के अंदर ईमेल डली उसे पिक करें, सबको मेल हो जाए। मैं पीडीएफ यहाँ से कोई पीडीएफ अटैच कर दूंगा, मतलब एक कोई पीडीएफ बना दूंगा जिसमें मैं आपको ईद से रिगार्डिंग जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहता हूँ वो चीज लिखूंगा, डियर यहाँ हेडर, यहाँ बॉडी और फुटर डाल के आपको मेल कर दूंगा। तो एक बार में मैं सभी को मेल भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप किसी को ले जाओ इनवॉइस ही मेल कर सकते हैं, आप कोई स्पेशल चीज भी भेज सकते हैं। जैसे कई बार बीजी में कोई अपडेट आता है, मैं एक एक करके सबको बताऊं तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं सभी की मेल उसकी पार्टी के अंदर डाल देता हूं और जैसे ही इंटर मारता हूं सभी को वो एसएमएस या मेल चली जाती है। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर मेल भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ बीजी में जितना पॉसिबल हो सकता था ईमेल के बारे में डिस्कस कर लिया। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।